So, ladies and gentlemen, very warm welcome to Module One Thirty One: source of Innovation. And here we are linking this sources of innovation with industry and market structure. We have seen this and Initially, industry so for example, initially, if someone aluminium आ, किसी ने स्टार्टअप लिया तो वो एलुमिनियम जो है वो यूएस के अंदर 40 से 50 साल तक उसका एज हुआ देन अगर किसी ने ऑटोमोबाइल के अंदर स्टार्ट लिया तो वो मैक्सिमम 100 पे भी चला गया देन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और चीज़ों के अंदर देखते हैं तो वो सा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता रीज़न बिंग जब भी आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं तो तब ऐसे होते हैं लेकिन एक ज़माने में आपने देखा था कि के मार्ट नाम का एक स्टोर शुरू हुआ था सुपर स्टोर वन स्टॉप शोर स्टॉप शॉप जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया था सो so, इंडस्ट्री ने इस तरह का कुछ देखा लेकिन फिर वॉलमार्ट के बाद एक स्पेस शुरू होती है फिर इसी तरीके से हॉलैंड में कुछ चीज़ें शुरू हुई फिर यूनाटेड किंगडम में कुछ मॉन्ट्रियाल एलुमिनियम नाम की एक चीज़ शुरू हुई थी जो कि तकरीबन इट गोज़ टू सेवेंटी टू एटी ईयर्स इस तरीके से आपके पास ऐसी पाइनियर चीजें मौजूद हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री और मार्केट स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज करती हैं मैंने एक लफ्स बोला था कि आप किसी चीज़ को ऑब्वियस कर दीजिए वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी जब ऑबियस कर देंगे तो स्टैंडर्डाइज बन जाएगी मसलन गालिब साहब आप गालिब साहब का जो शेर है उनकी जमीन के ऊपर लिखना तो मुश्किल होता है लेकिन उनके चंद चीजें ऐसी हैं जो कि अब वो स्टैंडर्ड बन गई ऑबियस टू है Standard for other. Obvious to me, standard to other. The obvious to someone, become the entrepreneur, and standard to others will be the follower. Reactor. Industry and market structure sometimes lasts for many years and seems completely stable. The word aluminium industry, for instance, actually, market industry structure are quite brittle. One small scratch and the Disintegrate often fast. When this happens, every member of the industry has to act. Here, important is that the line of action will be mine. The industry follow because I was obvious, and I become the standard. So, standard becomes the forceful uh, uh, replication for others. They have to replicate me. There, I have to replicate you if you are obvious. टू योर प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री इसी तरीके से चलती है और उसके स्ट्रक्चर उसी तरीके से डलना शुरू हो जाते हैं एल्यूमिनियम जिसने मॉन्ट्रियाल में शुरू किया उसका उसी तरीके से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड मार्क के स्ट्रक्चर यूजली टेक प्लेस एजल्ट ऑफ चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस टेस्ट इन न्यू वैल्यूज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ने टेस्ट इन वैल्यूज को बहुत तब्दील किया एक जमाना स्टैंडर्डाइजेशन से हट कर अब आपने ये देखा होगा कि एक ही सड़क के अंदर अठारह किस्म के चाय वाले और सब के सब मैसेबली भरे हुए वो एक ही टाइप की मटकी में बेच रहे हैं कोई गुड़ में वो गुड़ में चाय बेच रहा है कोई किसी में चाय बेच रहा है बट अब वो इनोवेशन नहीं रही अब तो वो एक चाल बदल गई यानी फॉर एग्जांपल जमाना चाल चलता है एक ने चाल पहले एक ने पहली चीज बनाई उसकी चाल चलन बन गई और चलन चलते 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 वही वाली बात ऑब्वियस टू स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड बिकम द होल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट ना द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज रिलाईबल इंडिकेटर ऑफ चेंजिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जैपनीज के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिलप के अंदर जैसे फिलप का एक प्रोडक्ट है वो जैपनीज प्रोडक्ट है कोरियन प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड बन गया ब्राउन्स के जो हेयर ड्रायर्स हैं वो आपके मार्केट के स्ट्रक स्टैंडर्ड्स बन गए फिर वह वैक्यूम के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर कमाल का बना तो वो एक स्ट्रक्चर बन गया एक उसी तरीके से आपको मार्केट को चलाना पड़ेगा चाइना ने चेंज करने के बजाय रेप्लीकेशंस की बहुत बड़ी डेंस मार्केट बना दी उसने उसके अंदर इतनी सारे वेरिएशंस की उसने हर किसी की रेप्लीकेशंस को लेकर आ गई लेकिन अब भी अगर हम देखते हैं तो जिस जिस मुल्क की जो जो चीज़ भी अवेलेबल थी वो उसका स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सका अब अगर आपने रिसेंट टाइम में देख देखा होगा आई एम नॉट सो मच फेमिलर टू द कार्स नेम लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बाकी सारी बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो स्टैंडर्ड ऑडी और, और मर्सिडीज और बी एम डब्ल्यू इन ए के इर्द गिर्द है तो इनोवेशन के पाइनियर्स यही हैं आप स्टैंडर्ड के अंदर नीचे देखे दे जाइए आपको वही कार के रेप्लिकेशन मिलती जाएंगी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा उससे नाम करने से मार्केट में चेंज नहीं आएगी वो ये है कि सोनाटा आप सोनाटा कहते हैं या सोनाटा कहते हैं लेकिन मर्सिडीज के सारे फीचर्स उसके अंदर आ गए ऑडी के जितने स्पेस उसके अंदर आनी थी आ गई देन इट गोज टू द प्राइस वो जो आपको तकरीबन तीन चार करोड़ में चीज मिलनी थी सत्तर में मिलना शुरू हो गई सो so, जब पीपल बिकम हैप्पी द कंज्यूमर बिकम हैप्पी स्टैंडर्ड्स विल चेंज आपका इसको वैल्यू uh, उसको नहीं कहेंगे इसके अंदर जैसे ही माइंड चेंज होता है उसकी आपकी जो है वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती सो हेयर काम्स When it comes to the particular industry and reliable indicator, Japanese penetration of the U.S. auto market, a smaller and more fuel-efficient car allows them to take advantage of changing consumer preference to autos. Americans DMCs बनती थी जी, उनके अंदर पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन GMC एक पाकिस्तान में आई थी, वो साहब की गाड़ी एक जगह बंद हो गई। मैंने कहा GMC ने भी बंद होना है, तो फिर ये कैसे चलेगा? उसने कहा ये एक लीटर के अंदर Uh, सिर्फ चार या दो, दो किलोमीटर करती सो so, ये फ्यूल एफिशिएंट नहीं है भाई बिग ह्यूज जॉइंट कार जॉइंट जीप अब ये जॉइंट जीप है तो मुझे जब तक एफिशिएंसी नहीं देगी क्या होगा सो so, जैपनीज ने पेनाटेट करने के लिए बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म लिया तो फ्यूल एफिशिएंसी और एफिशियवनेस को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया अब जहां पे अमेरिकन कार जो है वो पावर सिंबल बनती थी जीएमसी अभी आप सऊदिया में चले जाएं जीएमसी बट बिकॉज वहां पे, पे पेट्रोल का इशू नहीं है वहां पे जहां पे पेट्रोल का इशू नहीं है अमेरिका वहां से पेट्रोल लेता है बल्कि पूरी दुनिया का पेट्रोल उसके पास है सो so, जब डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं होगा तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वुड बी नॉट बिकम द स्टैंडर्ड टू तो दैम बट फ्यूल एफिशियंसी जापान की तरफ से गई तो जापानीज कार विल बी मोर एप्रिशिएटेड इन यूएस मार्केट क्योंकि नाइनटी ऑफ द मैसेज ऑफ द अमेरिकन सेम इसी तरीके से पाकिस्तानी पैटर्न के मुताबिक हमारी तरीके से जो पहले दरम्याने थे अब गरीब हो चुके हैं और जो गरीब थे अब वो डस्टबिन से खाने में मजबूर हो चुके हैं सो फ्यूल एफिशिएंसी बिकम द मेजर एस्पेक्ट जो जब अमेरिका के लिए कभी सब्जेक्ट नहीं था लेकिन जापनीज कार ने हाई कर दिया हाईब्राइड कार जो है वो आपको एक किलोमीटर में ट्वेंटी नाइन किलोमीटर दे एक लीटर में ट्वेंटी सेवन सो इट इज इज एन अमेजिंग आपका उनका कार जो है वो जापानीज़ ब्रीड कार जो हाइब्र हाइब्राइड्स हैं वो आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेकर आते हैं उसके बाद आपकी सेफ्टी है आपके अंदर एफिशिएंसी है वो कम वेट एयर मांगते हैं तो देन वो एफिशिएंटली काम कर अलाउ देम टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर ऑटोस मोटिवेटेड लार्जली बाय डोमेटिक इंक्रीज इन गैसोलाइन गैसोलिन प्राइसिस अब देखें कि जब पेट्रोल से हाइबरनेटेड प्राइस आ गई फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्जन हुई गैसोलीन से भी कन्वर्जन चेंज हो गई सो कार मार्केट में जापान ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया जस्ट इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग वन थिंग फ्यूल एफिशिएंट। तो एक फ्यूल एफिशिएंट के ऊपर उन्होंने जब काम किया तो इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करके रख दिया थैंक यू वेरी मच